नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, खबरों की पड़ताल करते हैं और आप तक खबरों को पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज खालिस्तानियों के। खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि जिस तरीके से खालिस्तानियों को लेकर पूरी तरह आतंकियों से निपटने के लिए इस समय जो है भारत तैयार हो गया है, लेकिन उसके बाद ये बैठक काफी लंबे होने की चर्चा जो चलेगी, तो उस पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो मुलाकात का कारण यही बताया जा रहा है कि वो खालिस्तानियों को लेकर भी इस पे बैठक कर सकते हैं। परिषद की बैठक की अध्यक्षता में अमित शाह करेंगे। उत्तरी क्षेत्र परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख में भी शामिल है। एक अधिकारी के प्रेस रिलीज के मुताबिक इस परिषद की 31वीं बैठक का बोर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी के संबंधित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों को निर्माण, राज्यों के बीच जल बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। उत्तरी क्षेत्र परिषद में सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री अपने दो वरिष्ठ मंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। खालिस्तानी विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में बड़ी बैठक में CM और मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह जो है पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, तो इस पर खालिस्तानियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन उसकी बैठक में जो है साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खालिस्तानी जो है लड़ने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से देखा जाता है कि आखिरकार जो मोस्ट वॉन्टेड है और जिस तरीके से लगातार जो है खालिस्तानी हमला कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। देखिए, आपको दूसरी लिस्ट जारी की है और ऐसे में बीजेपी ने आज दोपहर के वक्त तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। अब देखिए, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जो सीटें उन्होंने 2018 में हारी थी चुनाव के मद्देनजर, अब उन सीटों पर कैसे काबिज हुआ जाए, इसी के लिए बीजेपी अब एक के बाद चाहे सांसद हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, सबको मोर्चे पर तैनात किए जा रही है। बता दें कि 6 सांसदों को यहाँ पे टिकट दी गई है, प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया। हमने विजयवर्गीय का भी बयान सुना था, उनकी तरफ से कहना था कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि चुनाव लड़ू, लेकिन पार्टी की तरफ से ये कमान निकल के सामने आया है और ये निर्देश पार्टी का है कि आप चुनाव लड़ेंगे ना का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं मजबूरन मुझे पार्टी का ये दिशा निर्देश मानना पड़ेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर को भी मैदान में उतार दिया गया है। यानी कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जो सीटें उन्होंने पिछले चुनाव में हारी थी, कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, ज्यादातर उन सीटों पर सांसद और केंद्रीय मंत्री को उतारा जाए। इसलिए जो 39 सीटों की जो 39 लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, दूसरी लिस्ट, उनमें से आपको बता दें कि 36 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस ने विजय हासिल की थी, और 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, यानी कि 3 सीटें अभी भी बीजेपी के पास है। अगर बात की जाए तो आज भी उन्होंने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में अब अमरवाड़ा से उन्होंने भी एक महिला को उतार दिया है। बता दें कि कांग्रेस से त्वरित वो आई थी बीजेपी में, अब बीजेपी एक एक करके मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरते हुए नजर आ रही है। क्या बीजेपी की ये रणनीति काम आएगी, क्या मध्य प्रदेश में चुनावी जीत बीजेपी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चल जाएगा। कैमरे पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। कनाडा से कूटनीतिक तनातनी के बीच भारत का क्या है प्लान, बता रही है जूही सिंह। हरदीप सिंह निचर की हत्या में जो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर संगीन आरोप लगाया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है उसका संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है जवाब दे सकते हैं। दरअसल दिल्ली में इसका इंतजार किया जा रहा है कि कनाडा की तरफ से जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर उससे संबंधित तथ्य या कोई सबूत जो है भारत के सामने पेश किया जाए, ताकि इसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाए। ये तो बिल्कुल साफ है कि ट्रूडो की सिख राजनीति उन्हें इस मुद्दे पर पीछे हटने की अनुमति नहीं देगी। साक्ष्य या खुफिया जानकारी की गुणवत्ता कानूनी कसौटी पर खरी उतरेगी या नहीं, ऐसे में उम्मीद है कि ट्रूडो कुछ भारतीय नाम हवाओं में उछालेंगे और निज्जर की हत्या का दोष डाल देंगे। सिख वोट कनाडा की राजनीति के लिए इतना महत्वपूर्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रिटिश कोलंबिया में
सरे गुरुद्वारे का दौरा करने का अनुरोध किया था जब वह 2015 में कनाडा गए थे। यह बात और है कि पीएम मोदी को उनके समर्थक भी मिल गए और वैंकूवर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर उस कट्टरपंथी समुदाय के भीतर ही। इसी बीच कनाडा ने साउथ ब्लॉक को आसन्न अभ्यास के बारे में पहले से सूचित करने के बाद भारत के लिए अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया, क्योंकि कनाडा को लक्षित करने वाले कुछ वीडियो नेट पर जो है वो उपलब्ध हो चुके थे और ऐसा समझा जाता है कि नई दिल्ली को वरिष्ठ स्तर पर सूचित किया गया है। जानकारी दी गई है कि यात्रा सलाह को फेरबदल किया जा रहा है और इसमें कुछ ज्यादा इसको लेकर समझने की जरूरत फिलहाल नहीं है। यूं तो भारत अपनी ओर से पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि ऐसा जो है भारत की ओर से साफ तौर पर पहले भी बयान जारी किया गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी के जो है हत्या में भारत का कोई भी हाथ नहीं है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो देश के बड़े जो भी तमाम नेता रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है। अब कनाडा की ओर से जो है तमाम साक्ष्य पेश किए, भारत अपनी तरफ से जो है पूरी तरह से साफ है और यह स्पष्ट है कि आतंकी के हत्या में जो है भारत का कोई हाथ नहीं है और प्रधानमंत्री कानूनी जो कनाडा की कानूनी प्रक्रिया उसका पूरी तरह से समर्थन करने की बात कर रहे हैं। और लेकिन अगर कनाडा भारत के खिलाफ कोई भी अफवाह इस तरह की फैलाता है, वो भी बिना तथ्य के, बिना सबूत के, तो भारत इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही। सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आदित्य नारायण। आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में आए हुए हैं। आज गोरखपुर में करीब 11 बजे वो आए हैं और गोरखपुर के MMM मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किए हैं। गोरखपुर में यह प्रशासनिक करीब 12 करोड़ की लागत से बनी हुई है, जिससे वहाँ के पढ़ रहे छात्रों को काफ़ी सुविधाएँ मिलेंगी। आज गोरखपुर में पुराना मंदिर में श्रीमद भागवत कथा पूर्व के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ अवैधनाथ की पूर्व तिथि में 1 सप्ताह चलने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ शिरकत भी करेंगे। यह मैं आपको बताना चाहूँगा, गोरखपुर में बहुत से कार्य योजनाओं की बैठक करेंगे, जिसमें सभी अधिकारियों को उन्होंने बुलाया है और कार्य योजनाएँ किस प्रकार किस प्रगति पर चल रही हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल भी वो काफ़ी परियोजनाओं और संबंधित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सुबह वो जनता दरबार लगाएंगे, उसके बाद गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे। आई नाशवा तो इंडिया वाइज गोरखपुर। आगरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। सत्संगी और पुलिस की तकरार का मामला हाई लेवल तक पहुंच चुका है। आगरा में आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि सत्संगियों ने किस तरीके से प्लानिंग करी थी पुलिस के ऊपर अटैक करने की। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आगरा पुलिस पर अटैक करने के लिए उन लोगों ने किस तरीके से पाइपों को काट कर हथियार बनाए थे। उस वीडियो में क्लियर हुआ है कि हथियारों के जरिए, पाइपों के जरिए पुलिस पर अटैक किया गया था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्लास्टिक के पाइपों को काट कर मारने के लायक बनाया जा रहा है, जिससे कि आगरा पुलिस के ऊपर अटैक किया जा सके। उस अटैक में कई पुलिस कर्मियों के साथ पत्रकार भी घायल हुए थे। लेकिन आगरा में इस वक्त सत्संगियों का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट से उनको 2 दिन के लिए स्टे मिल चुका है, जबकि आगरा पुलिस उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दे चुकी है पेपर दिखाने के लिए। 7 दिन बाद मालूम पड़ेगा आगे की कार्रवाई के लिए। आगरा से रामू कैमरामैन प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। हरदोई में 15 साल की नाबालिग ने की आत्महत्या की कोशिश, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी। ने आत्महत्या का प्रयास किया। आपको बता दें कि पूरा मामला बिहानी थाना क्षेत्र का है, जो कि कल एक किशोरी गणेश विसर्जन में वो गई हुई थी और वहाँ पे दूसरे समुदाय के एक 25 साल के जफर नाम के लड़के ने उस किशोरी के साथ छेड़छाड़ करी और छेड़छाड़ करने के बाद में जो उसे 2 बार उसके साथ छेड़छाड़ की, वहाँ की पब्लिक ने उसको पकड़ लिया और पब्लिक ने पकड़ने के बाद में उसे कूट कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि हम बता दें कि जब उसको वहाँ से जब वो लड़की अपने घर पहुँची है, घर पहुँचने के बाद में हालांकि उनके घर वालों ने कोई तहरीर नहीं दी थी, लेकिन फिर उसके बाद में लड़की ने आज सुबह आत्महत्या का प्रयास किया फांसी लगाने का, जब उसको गंभीर हालत में आनंद फानंद में लेकर उसको CSC पहुंचे, वहां पे डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ रिफर कर दिया है। हालांकि अब जब पुलिस से इसमें बात करी गई तो SP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि
वो लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी गणेश विसर्जन के दौरान, और वहां पे उनके परिवार वालों ने कल तहरीर नहीं दी थी, लेकिन आज तहरीर दी गई है जब लड़की के साथ में ये उस लड़की ने ये गलत कदम उठाया है। हालांकि पूरे मामले में उस लड़के को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पुलिस इस बात को नकार रही है कि अभी मैंने उसको अरेस्ट नहीं किया है। क्या पुलिस कोई नई स्क्रिप्ट तैयार कर रही है, ये देखने की बात होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। जौनपुर में थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में हुआ बड़ा फेरबदल, खबर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने जो है तबादला एक्सप्रेस चलाया, तो वहीं 10 थानों पर पुलिस अधीक्षक ने फेरबदल किया है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में अपराध व अपराधियों पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, तो वहीं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाया। जैसे ही तबादला एक्सप्रेस की सूची जारी होती है तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। जनपद जौनपुर में कुल 10 थानों पर फेरबदल किया गया, तो वहीं खेतासराय की कमान चंदन राय को सौंपा गया और SOG प्रभारी विनीत राय को बनाया गया, और वहीं गौराबासापुर थाना, जलालपुर सरपताहा थाना और जलालपुर थाना समेत जो है थानों पर जो है फेरबदल पुलिस अधीक्षक ने किया है। तो वहीं जनपद जौनपुर में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो समीक्षा हुई थी मुख्यमंत्री की, उसके बाद जो है SO प्रियंका सिंह को जो है सुरेरी थाने का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने सभी समितियों को किया एक्टिव, देखिए अभय कैथुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से जुटी नजर आ रही है। जहां संगठन के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कार्यालय बनाने की जो समितियां हैं, जो रखरखाव की जो समितियां हैं, उनकी भी बैठकें शुरू हो चुकी है। यानी जिन जिलों में जिन विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक पार्टी के कार्यालय नहीं बन पाए हैं, वहाँ पर कार्यालय किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कौन सी समिति होगी जो उसका रख रखाव करेगी, किसकी जिम्मेदारी दी जानी है, उसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले संगठन का हर उप चीज यहाँ पर मजबूत हो सके, संगठन की हर उप चीज यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, ताकि संगठन चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कमियों से जूझता हुआ नजर ना आए। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से पार्टी संगठन कमजोर ना हो, बल्कि हर कार्यकर्ता, पार्टी का हर पदाधिकारी यहां पर जी जान से जुटा हुआ नजर आए और इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सके। कैमरामैन नसुन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। कोरबा में जशपुर से निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, खबर के बारे में बता रहे हैं सुहेल केदवई। जशपुर से निकली भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ने कांग्रेस को सदमे में डाल दिया है। जिस तरह से यहां पर हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी, उसको देख करके कांग्रेसी काफी सदमे में है, और इसकी इनपुट रिपोर्ट भी प्रदेश के मुखिया तक पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा में ये जो भीड़ उमड़ी है वो वोटों में तब्दील हो पाती है कि नहीं, ये तो आने वाले विधानसभा के परिणाम ही बता सकेंगे। सख्ती से इंडिया वास के लिए कैमरामैन आशीष के साथ मैं सुहेल किदवई। रायबरेली में 16 साल की नाबालिग ने की आत्महत्या की कोशिश, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। आत्महत्या करने का प्रयास किया, बता दें कि युवती ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया है। पूरा मामला रायबरेली जिले के बछनावा थाना क्षेत्र के सब्जीपुर गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 16 वर्षीय युवती के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के प्रयास के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और परिजनों के द्वारा तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखने के बाद डॉक्टरों के द्वारा उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार युवती का किसी न किसी तरह से घर में आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा था, जिसके चलते अक्सर वो घर में ही लड़ाई झगड़ा किया करती थी, और इसके बाद उसने जो है देर रात जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते ही परिजनों को जानकारी हो गई, और जानकारी होने के बाद परिजनों ने तत्काल उसको एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, और जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
हालांकि आपको बता दें कि अभी भी जिला अस्पताल में उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मात्र इतना ही बताया कि युवती के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया है, अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। कोरबा में वार्ड नंबर 32 के पार्षद अजय गौड़ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता सुहेल किदवई। अगर एक ही परिवार में चार बच्चे हैं और सबको अगर आप अलग अलग नजरों से देखेंगे और किसी के साथ न्याय करेंगे, किसी के साथ अन्याय करेंगे, तो वास्तव में ये बात बिल्कुल गलत है। यही हुआ है कोरबा के वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद आनंद गौड़ के साथ, क्योंकि ये भाजपा के पार्षद हैं, इसलिए इनकी ये शिकायत है कि नगर निगम के महापौर के द्वारा उनके वार्ड को दूसरी नजरों से देखा जा रहा है और उनके वार्ड में बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर के वार्ड पार्षद धरने पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका मानना है कि जब तक नगर निगम द्वारा उनके वार्ड की सारी समस्याओं का निदान नहीं होगा, तब तक भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से सुहेल किदवई। लंदन में सीएम धावी का हुआ भव्य स्वागत, खबर के बारे में बता रहे हैं संवाददाता अभय कैतुरा। उत्तराखंड में निवेश आ सके उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। उत्तराखंड के प्रवासी लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहां पर जोरदार स्वागत किया, पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की है कि वो भी उत्तराखंड में आए और कम से कम राज्य की जो भावनाएं, उन भावनाओं के अनुरूप चले, राज्य का विकास हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिसंबर माह में इन्वेस्टर ग्लोबल जो समिट है उसका आयोजन करने जा रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेशक यहां पर आ सके उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न जगहों पर रोड शो या जो दूसरे इन्वेस्टर समिट या उद्योग घरानों से जो मीटिंग है उनको करते हुए नजर आ रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से निवेश आ सकता है उसके लिए बातचीत कर रहे हैं। दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट आयोजन हो रहा है, ऐसे में सरकार अभी से ही उसकी तैयारी करती नजर आ रही है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बदायूं में रमेश बुदूड़ी के बयान पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, खबर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश सक्सेना। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह ने आज दातागंज पहुंचकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने जो रमेश बुदूड़ी जी हैं भाजपा सांसद, उनका पुतला भी फूंका। ये आपको बता दें कि संसद भवन में जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया उनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टियों में नाराजगी है। वहीं लगातार पार्टियां नाराजगी जाहिर भी कर रही हैं। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह ने यहां पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं पुतला फूंकने का भी काम किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा के सांसद हैं उनके खिलाफ यदि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो संसद भवन है वो सबके लिए सम्मानित है, लेकिन जिस तरीके का भाजपा सांसद ने कृत्य किया है वो असहनीय है और अगर इसके खिलाफ जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लगातार उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना है, इंडिया वॉइस, बदायूं। धमंतरी में दिन दहाड़े हुआ मर्डर, क्या है पूरा मामला बता रही है सौम्या यादव। सौम्या और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया वॉइस। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दोनर में एक भयानक घटना घट गई है जिसे सुनकर जो है लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक 14 साल के कक्षा 8वीं के छात्र ने जो है 27 साल के युवक को चाकू मारकर मौत की नींद सुला दिया है। वहीं पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है और मैं यह भी बताना चाहूंगी कि नशा इतना भयानक होता जा रहा है कि इसके लिए अब शायद कोई उम्र ही नहीं बच रही है। बच्चों से लेकर बड़े, बड़ों से लेकर बच्चे सब इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि नशे में वो क्या अनजाने में कर जा रहे हैं। और ऐसी ही एक घटना ग्राम दोनर से सामने आई है जहां पर कक्षा 8वीं के छात्र ने अपने दोस्तों के साथ मेहमान आए 27 वर्षीय युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार जो है मृतक युवक ग्राम रावा का रहने वाला है।
जो ग्राम दोनर में अपनी बुआ को छोड़ने आया हुआ था। वहीं मामूली सी बात को लेकर इस प्रकार की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिद्धार्थनगर की बाणगंगा नदी में मिला अज्ञात किशोरी का शव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। दिल्ली की बाणगंगा नदी में एक नाबालिग किशोरी की जो है शव बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि नेपाल के फाटक खुलने की वजह से वहां पानी अधिक थी, पानी को छोड़ा गया था, जिसकी वजह से उसमें एक नाबालिग जो है उसमें बाकी आई है, जो उसका शिनाख्त अभी तक हो नहीं पाया। मौके पर ग्रामीण पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुँच कर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के बाणगंगा नदी का है, जो कि एक नाबालिग जो है उसमें नदी में तैरती दिखी और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिलहाल अभी तक उसका शिनाख्त नहीं हो पाया है, शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। अब ये पता लगा रही है कि ये आखिर किस वजह से हुआ, संदिग्ध परिस्थितियों में, लेकिन एक युवती का शव तैरता दिखा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंचती है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। मुरादाबाद में ट्रेन में मिली संदिग्ध युवती, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के रेलवे स्टेशन पर बीती रात उस समय हंगामा हो गया जब एक युवती के साथ में आए युवक के द्वारा दावा किया गया कि युवती पाकिस्तान की रहने वाली है। जानकारी मिलते ही तुरंत ही मुरादाबाद जनपद में जीआरपी थाने में जीआरपी पुलिस के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस टीम और आईबी की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। इस पूरे प्रकरण में जब जांच की गई तो जो युवक के द्वारा कहा गया था कि युवती पाकिस्तान की रहने वाली है, वो पाकिस्तान की रहने वाली नहीं थी। जांच के दौरान ये पता चला है युवती मेरठ जनपद की रहने वाली, जिसकी मेरठ जनपद में गुमशुदगी दर्ज थी। पूरे मामले को लेकर मुरादाबाद जनपद में जीआरपी पुलिस, आईबी और इंटेलिजेंस की टीम के साथ ही लोकल टीम के द्वारा जांच की गई थी। इस पूरे प्रकरण में जब जांच की गई तो जांच में मेरठ की रहने वाली युवती पता चली है, जिसके बाद युवती को मुरादाबाद जनपद से मेरठ में उसके परिवार वालों से संपर्क किया गया। संपर्क करके जाने के बाद परिवार वालों ने मुरादाबाद में पहुंचकर युवती की पहचान की है। इसके बाद युवती को उसके परिजन अपने साथ ले गए हैं। मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।